दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए और हैप्पी रहिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सॉफ्ट और फ्लफी इडली घर पे आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको मेरी चैनल के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने बेल प्रेस कर लिया है और ऑन कर लिया है ऑल नोटिफिकेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ इडली बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप उड़द दाल सफ़ेद वाली, और उसके साथ लिए है मैंने 2 कप चावल। मेज़रमेंट बहुत आसान है, 1 कप उड़द दाल पे 2 कप चावल लेने हैं हमें। आप नॉर्मल चावल ले सकते हैं या फिर इडली वाली राइस ले सकते हैं। थोड़े से मेथी के दाने, अब इनको अच्छे तरीके से पानी में हम 2 से 3 बार धो लेंगे। धोने के बाद फ्रेश वाटर में इन्हें सोक कर लेंगे 5 से 6 घंटों के लिए। 6 घंटे के बाद जस्ट पेस्ट बनाने से पहले मैंने थोड़े से पोहे लिए हैं, 1/2 कप पोहे। इनको पानी में अच्छे तरीके से धोकर फिर सोक कर लेना है आपको। ग्राइंडिंग करते वक्त चावल, दाल और मेथी दाने तीनों को ही एक साथ आप पेस्ट बना लीजिए। इस बैटर को बनाने के लिए इसका जो पानी है आप उसे पहले फेंक दीजिए। फ्रेश पानी में आप इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके आप इस बैटर को तैयार कीजिए। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनना चाहिए, इस तरीके से इडली बहुत ज़्यादा फ्लफी बनेंगे। चावल और दाल को ग्राइंड करते वक्त याद रखिए कि पानी बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, जिससे इडली बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। तो वाटर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए और फिर ग्राइंड कीजिए। ग्राइंड करने के बाद अगर फिर आपको पानी की ज़रूरत है तो फिर थोड़ा सा वाटर ऐड कीजिए और उसके बाद फिर इसे ब्लेंड कर लीजिए। इस तरीके से पूरे बैटर को तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ 2 पोर्शंस में डिवाइड करके इस बैटर को तैयार किया है। अगर आप दाल और चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 3 या 4 पोर्शन में भी इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके बैटर तैयार कर सकते हैं। बैटर अच्छी तरीके से पेस्ट होने के बाद इसे हम किसी बड़े से पतीले में ट्रांसफ़र कर लेंगे और कवर करके किसी गर्म जगह पर ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रखना है रात भर के लिए। इसमें अगर आप चाहते हैं तो अभी नमक ऐड कर सकते हैं, पर मैं मॉर्निंग के टाइम नमक ऐड करती हूँ, जिससे इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो आप भी मॉर्निंग ही इसमें नमक ऐड कीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इडली के बैटर को अच्छी तरीके से 1 से 2 बार फेंट लीजिए। उसके बाद इडली का जो मोल्ड है उसमें आप थोड़ा थोड़ा तेल ऐड कीजिए और अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। जो बैटर है उस बैटर में थोड़ा सा नमक एडजस्ट करके ऐड कीजिए और उसके बाद उस बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, ताकि नमक जो है बिल्कुल इवेनली अच्छी तरीके से मिल जाए। अब इस बैटर को हम इस मोल्ड में पोर कर देंगे। डालने के बाद हम इसे स्टीम करेंगे 12 से 15 मिनट के लिए। इडली को पकाने का जो टाइमिंग है वो डिपेंड करेगा कि आपका बर्तन किस टाइप का है, उसके बाद ही उसका टाइमिंग पता चलेगा। मुझे मैक्सिमम इडली को कुक करने में 15 मिनट लग जाते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि टाइमिंग क्या है तो स्टीम करने के बाद 10 से 15 मिनट स्टीम करने के बाद आप एक टूथपिक लीजिए और उसे इंसर्ट कीजिए इडली के अंदर। इंसर्ट करने के बाद उसे बाहर निकालिए और चेक कीजिए, अगर वो बिल्कुल क्लीन है इट मीन्स कि इडली बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, तो गैस के फ्लेम को ऑफ़ करें और इडली रिमूव कर लीजिए। अगर आपका जो टूथपिक है वो क्लीन नहीं बाहर आया है तो आप उसे 2 से 3 मिनट और ज़्यादा कुक कीजिए और उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ़ कीजिए। पर याद रखिए कि इडली को बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ ये बाद में जाकर कड़क हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो इनके टाइमिंग को आप बिल्कुल ठीक तरीके से मैनेज कीजिए। इस तरीके से इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फ्लफी बनेंगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आपने नोटिस किया ना ही इस बैटर में मैंने
सोडा ऐड किया है और ना ही बेकिंग पाउडर ऐड किया है, लेकिन फिर भी इडली बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बने हैं। इनके साथ कॉम्बिनेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पीनट की चटनी, जो सिंपल में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए नेक्स्ट हम पीनट की चटनी कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। और हाँ, ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आप नवरात्रि की कोई ख़ास रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी कुछ रेसिपीज़ को, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं इन नवरात्रि में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। तो चटनी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर ली है, उसमें थोड़ा सा तेल गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड किया है गार्लिक। अगर आप गार्लिक अवॉइड करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर गार्लिक ऐड करने से इसमें एक अलग तरीके का फ्लेवर ऐड होता है। गार्लिक को हल्का सा 30 सेकंड के लिए रोस्ट करने के बाद हम इसमें मुट्ठी भर के पीनट्स ऐड करेंगे। ये बिना छिलके वाली पीनट से, आप अगर छिलके वाली पीनट ऐड करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्राई होने के बाद वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आपको उसको पील रिमूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देन इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची तीखे के अनुसार, आप जितनी हरी मिर्ची खाना पसंद करते हैं उतना ऐड कीजिए। थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे और बस 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे, ताकि ये हल्का सा एक कलर चेंज करे और जो पीनट्स है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए। देन गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। याद रखिए, चटनी बनाते वक्त आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। जब ये पेस्ट बन जाएगा तब उसमें, अगर उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी जिस तरीके से आपको पसंद आती है उसी तरीके से आप इसे ब्लेंड करके निकाल लीजिए। फाइनली हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और एक और बार हम मिक्सी को बस 30 सेकंड के लिए चला लेंगे और फिर इसे हम सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि तड़का लगाना तो बहुत आसान है, वैसे तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसे बिना तड़का लगा के खाइए, ये बहुत ही सिंपल में बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन आप फिर भी तड़का लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा तेल गर्म करना है, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी जीरा, बस इनको थोड़े वक्त के लिए चटकने दीजिए और उसके बाद चटनी के ऊपर इस तड़के को डाल दीजिए। बहुत ही यम्मी लगेगा, आप एक बार ये पीनट चटनी और ये इडली की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आई होप आज की रेसिपी आप सभी को बहुत अच्छी लगी है। तो चलिए कल मिलेंगे किसी खास वीडियो में फिर से, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।